बेबी को लिटाते हैं ऐसी है। यूट्यूब पे चेक कीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप ठीक हो? पायन आप कैसे हैं? हेलो पायन, पायन कैसे हैं? इसको लग रहा है कि इसकी नाइया करवाने लगी हैं, इसलिए पूरे घर में भागी फिर रही है कि मेरी नाइया नहीं करवानी। करवा दे, एक साल ले जाए इसको नाइया करवा। अच्छा मेरे पास आई है, मेरे पास आई है कि मैं बचा लूंगा, ठीक है ना? लेकिन बच्चे जब गंदे हो तो फिर नाइया तो करनी पड़ती है ना, जो नहीं है। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, आपने मुझे वो लेकर दिया ना फेशियल, उसने ऊपर से सारा छील के रखा। मैंने नहीं लेके दिया आपको, मैं किस तरह बताऊं? वही जो उन्होंने दिया तो हमने पैसे थे ना? दिए थे लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दिया था। हाँ। हम लोग गए थे पैकेजेस शॉपिंग करने के, नहीं ग्रोसरी करने के लिए, नीचे जो थे ना वो पता नहीं क्या इस ब्रांड का नाम था जो भी था, बार उसको छोड़ते हैं, उन्होंने अक्सर को दे दिया, आप ये प्लीज यूज करके देखें। वो बेचारी अब क्या इस तरह रही थी, मैंने कहा उन्होंने सेल्स के लिए यहाँ पे खड़ी की है तो अक्सर ले लें। और मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया। और याशन रात को याशन ने देखा ना तो ऊपर से सारा छील के रख दिया। हाँ अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमने सोचा कि हमने ना दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करने। एक तो मेरी गाड़ी की मैंने पिछली वाली सीट बेल्ट निकलवानी है, ठीक है? चाहे एक ही निकला है, दरमियान वाली, वो पहले वालों ने अंदर कराई जिनसे मैंने गाड़ी खरीदी थी। हालांकि पीछे सीट बेल्ट होती तो अच्छी बात ही है, लेकिन ना अब मैंने सीट बेल्ट निकलवानी, चाहे मैं दरमियान वाली निकलवाऊं। और दूसरा मैंने ना आयशा के लिए लेके आनी है कार सीट। हाँ, उसकी ज्यादा जरूरी होनी है ना ये सीट बेल्ट। हाँ, निकलवानी, क्योंकि कार सीट का तब तक फायदा नहीं है जब तक पीछे सीट बेल्ट अंदर सही ना लगती हो। तो मैंने सोचा ये एक तो गाड़ी की सीट बेल्ट निकलवाऊंगा, वो मैं कल परसों जिस टाइम मेरा चक्कर लगता है जब मैंने गाड़ी का कोई एक आधा काम करवाना हुआ ना उस टाइम करूंगा। अभी मेरा प्लान बन रहा है कि आयशा के लिए हम लोग जाके कार सीट पता कर लें। बिल्कुल, कार सीट पता करने जाने। हाँ जी, कार सीट चाहिए अपने लिए? नहीं, हाँ? नहीं चाहिए। नहीं यहाँ कर लो जाओ। यहाँ पे जी मैंने बेगम की ड्यूटी लगाई हुई कि जब भी बाहर जाना है अपने लिए कोई फ्रूट वगैरह कोई चीज भी जो है ना वो उठा के साथ लेके जानी है। और आपकी स्वेटर और वो कितना आपस में मैच कर रही है, है? क्या वाला बास्केट और ये कितने देखे ऐसे पिंक पिंक सारा कुछ हो गया है, और ये भी पिंक वाले फूल आपके साथ मैच कर रहे हैं। आयशा ने भी न्यू पेपे पहने, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा मैं जो सा पहले मेरे बच्चे पेपे पहनता था ना, हाँ। वो सारे थे बड़े, ठीक है? वो अभी नहीं पूरे आने वाले थे, लेकिन ये अब बिल्कुल इसके साइज के पेपे है ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठीक है। ये एक शापर भी उठाना है साथ, मुझे याद करवा देना। अभी बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सा ना एक नया काम हो गया हुआ है ना कि 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जानी है, मतलब ऐसा भी मैंने सुना, अभी जाके कन्फर्म हो जाएगा। वैसे अभी हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल, पैकेजेस मॉल के मैंने मेन इंस्टाग्राम पेज पे देखा, उन्होंने टाइम वहाँ पे अपडेट कर दिया 10 बजे बंद हो जाएगा। चले आप ये आयशा का बैग उठा लें और मैं आयशा को उठा लेता हूँ, साथ वो शापर उठा लेता हूँ, कचरे वाले भी चल फेंक देते हैं। और तो नहीं कोई चीज रखनी? नहीं, बस शूज में नीचे जाके पहन। चलो ठीक है। माशाल्लाह जी, मैंने आज आपको सरप्राइज देना था, ठीक है? सरप्राइज आपके लिए ये है, ये जितनी आपको लाइन में गाड़ियां नजर आ रही है ना, इनमें से एक सिलेक्ट कर लूं। इनमें से एक मेरी है। ये जी मेरी गाड़ी, ये खड़ी है। मैं पहले अपनी गाड़ी के साथ इसको पहले स्टार्ट करूंगा, गाड़ी को गर्म करूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उतनी देर में आयशा भी अंदर बैठ जाएगी, मैं जरा फ्लैश भी ऑन करूंगा। चलो जी आप बैठो, चलो बैठो अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैठो 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 बैठो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ना, मेरी असल में आदत है कि मैं जब भी कोई काम वगैरह करने लगता हूँ मैं इस तरह ना बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, या खाना खाने लगते हैं जब भी। जिस तरह गाड़ी है ना, मैं गाड़ी की सेल्फ भी देनी होगी ना तो पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, उस तरह ही साथ साथ बिल्कुल आयशा की आदत बनती जा रही है। नहीं मैंने देखा, जो जो चीज आप मैं कर रहे हैं ना, ठीक है ना, अक्सा की भी आदत है कि फॉर एग्जांपल आगे कोई चीज भी आ गई तो अक्सा एकदम बिस्मिल्ला पड़ेगी, ठीक है? सारी हरकतें वो करती जो हम दोनों करते हैं ना। अभी जी बेगम साहब और आयशा साहब, ओ ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कह रहे हो की होया, चक्की नहीं कटी जा रही है? चक्की नहीं काटी जा रही मेरे बच्चे से? अभी जी हमने ये लगा रही लोकेशन पैकेजेस की, क्योंकि हम पैकेजेस जो है ना काफी काफी कम जाते हैं, तो हमें उसका रास्ता जो है ना वो याद नहीं है, तो लोकेशन लगा के जा रहे हैं। बहर इंशाल्लाह हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। दूसरा मैं ये कहने लगा था, हाँ बेगम मुझे कह रही थी कि नहीं आज मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर चलने का, मैंने कहा यार चली चले, मुझे 2 दिन से पहले बुखार चढ़ा हुआ था, अब दिल कर रहा है थोड़ा सा बाहर से यार बंदा। ये और कुछ नहीं होता, शॉपिंग तो एक मतलब वक्री रहेगी ना कि कार चेयर जाके लेनी है, तो होता ही है कि बंदा 2 मिनट बाहर चला जाए थोड़ा माइंड बंदे को फ्रेश हो जाता है। ये तो पूरा पूरा दिन आजकल चुप ही रहती है, ना कुछ बोलती है ना कुछ, बस बैठी हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मूड के स्विंग्स नहीं होते, उस तरह होते कि कभी बड़ा फ्रेश मूड होता है, कभी हमारा बहुत सड़ा होता है। जब फ्रेश होता है तो मेरे लिए बड़ा फ्रेश मूड होता है कि यार मेरे से गपशप लगा रही है, और बहरहाल कभी कभी मूड ऐसा हो जाता है कि इसका बिल्कुल बोलने का दिल भी नहीं करता। हम एक काम करते हैं कि हम ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि 10 बजे वाला अगर तो वाकई सीन पक्का हो गया हुआ है ना कि 10 बजे सारा कुछ बंद हो जाए तो मामला खराब है, फिर हम पहले पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। वैसे अभी 10 बजने में टाइम पड़ा है, लेकिन ट्रैफिक लाहौर की आप लोगों को पता है कितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम करो अंकल को। चलो चलो सलाम करो।
अस्सलाम वालेकुम कह रही है, हैंड नहीं शेक हो सकता। ठीक है, थैंक यू, बाय। मैंने कहा इसको ये चीज भी सिखाता हूँ कि जब इस तरह टोल प्लाजे पे आए ना तो सलाम करना चाहिए। आइंदा से मैं इसकी ड्यूटी लगाऊंगा, जब भी किसी टोल प्लाजे से गुजरने लगेंगे ना अक्सर इसको कहना सलाम करना। ठीक है, क्या करना है अंकल को? अस्सलाम वालेकुम ऐसे करना। ठीक है, ये पता क्या चाह रही थी कि हैंडशेक कर लो, यहाँ से जब रिंग रोड पे हम लोग चढ़ गए हुए हैं, बस बड़ा भी टाइम लगा, रिंग रोड के बड़े फायदे हैं, यहाँ से बंदा बड़ी आराम से हर जगह पहुँच जाता है माशाल्लाह। ले जी आयशा ने शॉपिंग नहीं करनी आयशा ने शॉपिंग नहीं करनी। ले जी फाइनली हम लोग पहुँच गए पैकेजेस, और अक्सर इधर तो कोई नहीं लोगों को टेंशन के 10 बजे बंद होना है ताकि ये ना निकलिए। लोग अभी भी पीछे गाड़ियां इतनी आई जा रही है, और पार्किंग में भी देखे अच्छी खासी गाड़ियां लगी हुई है। बरल चलते हैं अंदर, टाइम थोड़ा कम है, मुकाबला सख्त है। नीचे ही लगाऊं पार्किंग में? चलो जी चलो जी चलो जी। अभी मेरी बच्ची ने कॉटन कैंडी भी ली थी और वो भी खाई है मेरे बच्चे ने, वो ना खत्म ही हो जाती है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो, अब सर नीचे ही जाने दो फिर पार्किंग में। मैं आज बेगम की मर्जी से लगाता हूँ गाड़ी की तरह, क्योंकि बेगम आजकल अपनी मर्जी से गाड़ी लगवाती है, दिल करे कही मेरे अंदर आप गाड़ी ले आए हैं, अब मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं इधर से ऊपर चले जाएंगे, सही है, यहाँ पे लगाते हैं, ऐशा का प्राम भी निकालते हैं अभी। यहाँ पे अभी ना हम लोग पार्किंग में पहुंचे तो अक्सर मुझे कहती है कि आप आयशा का प्राम निकाल लें। हाँ, मैं उतने फीडर निकाल लेती हूँ, आयशा की नहीं रखना होता सारा प्राम सेटिंग, प्राम की सेटिंग इन्होंने करनी होती है। तो अक्सर यहाँ पे बना रही थी आयशा का फीडर, मैं आयशा का निकाल रहा था प्राम श्राम। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे पैकेजेस के पार्किंग में भी म्यूजिक चल रहा होता है। नहीं यहाँ का तो वैसे ही मशहूर है ना कि यहाँ म्यूजिक ही चल रहा होता है, बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा होता है। बार यहाँ पे अक्सर कह रहा था कि जल्दी आप बाहर निकले इससे पहले के टाइम खत्म हो। आगे जी आगे जी, हम कार सीट वाली साइड पे आ गए हैं अभी, वो कह रहे हैं क्लोजिंग हो गई है, मतलब बिल नहीं हो सकता सिर्फ देख सकते हैं। हाँ यार ये तो मैंने 5000 का लिया था, 8500 का हो गया, इसको ना जाके सही तरह वॉश करके रखें, बड़ा कीमती हो गया। कार सीट्स ये पड़ी हैं, ये तो बहुत बड़ी है, और ये भी बहुत बड़ी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 19-20,000 की है। ये वाली नहीं लेनी, कुछ छोटी चाहिए, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। ये भी कैरिकॉट टाइप है, कार सीट जो होती है ना वो ये वाली सही है, ये वाली जिसने वो ऊपर वाली नहीं पड़ी थी वो वाली, लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। और ये तो सारे कैरिकॉट है ना, ये कार सीट में नहीं आते, ये तो कैरिकॉट है, आगे नहीं है, यहाँ पे लगी ये सारी रेंज अभी। हेलो, अभी क्लोजिंग हो गई है, मिल नहीं हो रहा, मैंने कहा चलो देख तो लेना प्राइस वगैरह क्या है, लेकिन 20,000 तक, 19 से 20। इतनी बड़ी नहीं चाहिए, आयशा तो अभी छोटी भी है, इतनी बड़ी नहीं, क्या है बेबी बनी हुई है, क्या क्या चाहिए, छोटी बेबी क्या चाहिए, नहीं जी हमें यही चाहिए अभी, अब क्या करें, फिर किसी दिन आते हैं। ये बच्चा पार्टी है, हाँ जी हम बच्चा पार्टी में ही मैडम, अब आप यही देख लें कितना एक्सपेंसिव हो गया पहले से, आयशा वाला ही जो कैरीकॉट है, चलो हमने अच्छे जमाने में ले लिया, हाँ हाँ यही कंपनी भी यही है, ब्रांड भी यही है, चले खैर है। अच्छा मैं ये देख रहा था ये कितने प्यारे प्यारे हैं, अच्छा ये मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रिक है, अच्छा इलेक्ट्रिक वाला है, ये है 16,000 का, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है 32,000 का, लेकिन इस पे बच्चे फिर लेटते भी नहीं, ये तो वैसे नहीं थी लेटी, आप नहीं थी लेटी इन पे, आपने इनकार कर दिया था। हमने इसके लिए लिया था कि हमें ना रात को तंग किया करेंगे तो हम इसको इसमें सुला दिया करेंगे, ये फोल्ड भी हो जाता है, ये प्यारा है, इसके प्राइस भी ठीक ही है, अच्छा भी लग रहा है, दिल कर रहा है ना अभी शॉपिंग करनी शुरू कर दें, अभी शॉपिंग करने का दिल करने लग पड़ा, लेकिन अभी नहीं करनी, अभी कुछ टाइम बाद करेंगे इंशाल्लाह। ये टू बेबीज वाला नहीं, अच्छा टू बेबीज वाला है, सही नहीं ये पूरा सेट, हाँ टू बेबीज के लिए यूज हो सकता है, हाँ और उसमें बेबी को लिटाते हैं, ऐसी है, यूट्यूब पे चेक कीजिएगा ना आपको पता चल जाएगा। हम तो ना ये सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं, हाय हाय हाय, मेरा दिल कह रहा है मैं ये ना लेनी शुरू कर दूँ चीज़ें, सही बात है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है ना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ये सारे पड़े हुए हैं, आयशा ये आपके लिए हमने सारा कुछ लिया था, फिर आप बड़ी हो गई, और लेने और लेना है, क्या लेना है, मैं नहीं देती, मैं नहीं देती, चले कोई नहीं, अक्सर जितना हम यहाँ पे खड़े होंगे ना हमारा उतना दिल करेगा,
मैं क्या कह रहा हूँ, हम जितना यहाँ पे खड़े होंगे हमारा उतना दिल करेगा शॉपिंग करने का। बहरहाल चलते चले, यहाँ से कैब्स भी देखते जाते हैं। ये बिब भी पड़े हुए हैं, बिब भी पड़े हुए हैं। हाँ अच्छा, इन्होंने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम 99 रुपीस, बिब के प्राइसेस भी ठीक है। ये वाले लेने हाँ यार, ये आप काली मुझे दिखा रही थी, नहीं सुबह दिखा रही, सुबह दिखा रही थी आप मुझे। चलें कोई नहीं कोई नहीं, आप अपने दिल में रखें सारी चीजें, इंशाल्लाह सारी शॉपिंग करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा था, लेकिन हमने कहा आप लोगों को दिखा दें कि हमारे बाहर आने तक सारा मॉल बंद हो गया था। 10 बजे तो बंद हो जाता है, 10 बजे सारा कुछ बंद। हम लोग जा रहे हैं फिर घर वाली साइड पे वापस। इस तरह हुआ है कि मतलब 10 बजे तक का तो टाइम है ना, लेकिन जितनी भी शॉप्स थी ना वहाँ पे, जितने भी आउटलेट्स थे, वो तकरीबन 9:30 बजे वो बंद करते जा रहे थे। ये जो सा बच्चा पार्टी में भी हम लोग गए हैं ना, ये इस तरह चले गए। अक्सर वो मैं क्या कह रही थी, क्लोज कहते हैं नहीं, क्लोज हो गया आप ना आए, फिर भी वो एक लड़का जो अली ने कहा हमने सिर्फ ना देखना है इधर से ना, तो वो कहते चले आप आ जाए, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने उसको कहा, मैंने ना वो लड़के कह दी, वो लड़की तो कह रही थी कि नहीं बस टाइम खत्म हो गया। मैं लड़के का मैंने कहा यार देखना है सिर्फ, ले हम कर लेंगे लेकिन प्राइस प्राइस पता लग जाए। फिर उसने अंदर जा लेने दिया, हमने जाके वो सारी चीजें वगैरह देखी, लेकिन ना वो बिलिंग काउंटर शाउटर जो बंद हो गया था, हम भी आपको पूरा बता सकते जी के सारा कुछ 10 बजे बंद होना शुरू हो गया हुआ है, तो आप लोग जाने से हो गया। और कुछ लोग बेचारे इस तरह के थे जो 10 बजे भी आ रहे थे वहाँ पे, आ रहे थे हाँ, वो पता नहीं ना होगा जैसे हम था, हमें भी तो पता ही नहीं था, आपको कहीं से पता चला था? मुझे पता चल गया था, मुझे मैं ना जिस दिन बाइक पे गया हूँ, जिस दिन मुझे बुखार हुआ है, उस दिन मैं जब रात को वापस आ रहा हूँ ना, तो मैंने उस टाइम देखा है मैकडॉनल्ड्स भी बंद पड़ा हुआ है, रास्ते में जो जो आ रहा ना बंद पड़ा हुआ था। फिर अगले दिन मैं स्टोर पे गया हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चल गया था कि 10 बजे का टाइम हो गया, 10 बजे हर चीज बंद हो जानी, हर चीज बंद हो जाती है। और बेचारे अभी हम लोग तो लिफ्ट से इतने नीचे आ रहे थे कि ऊपर तो सारा कुछ बंद हो गया है, और कुछ हवाम अभी भी ऊपर जा रही थी लिफ्ट पे, आराम से कुछ ऊपर जाते हैं, उनको पता नहीं था, वापस ही आना था, वापस ही आना था। अभी ना अक्सर मैं यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं ये कार सीट्स वगैरह और ये जो कैरी कॉट आ रहे हैं, इधर तो 2500 के भी लगे हैं, 3000 के लगे हैं, लेकिन तस्वीरें वो लगी हैं जो अभी हम लोग वहाँ पे देख के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आना जो यहाँ पे है ना 3000 रुपए का, एवं नहीं 3000 के लगे, किसी काम के नहीं आने। मैंने अभी यहाँ पे देखा तो ऊपर एक ये देखे, ये 4000 का, ठीक है, और ये कैरी कॉर्ड वगैरह ये जो भी है, लेकिन यहाँ से बंदा मंगवाया है तो बंदे को यकीन कोई नहीं है कि सही चीज निकलेगी नहीं। अब मुझे दिखाएं ये कैरी कॉर्ड वैसा हो सकता है जैसे आयशा का है? नहीं हो सकता। अब वहां पे 8000 का लगा हुआ था, हालांकि मैंने तब 5000 का लिया था। आयशा गाड़ी खोल दोगी, आवाज आई गाड़ी की, तो बहुत कम प्राइस लगे, लेकिन जब घर आती ना चीज ऑर्डर करके फिर पता चलता है। अभी ना अक्सर मैं बैठे हुए देख रहे हैं कि यार मतलब क्या करना चाहिए, इतनी महंगी कार सीट 20,000 रुपए की। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं और से भी एक दो शॉप से देख लेंगे, कोई जिधर से सही को मिली ना ये, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होगी, ये है ना 20,000 की है। वो आशिक कैरी कॉट में देखा वैसे ही था वो, लेकिन वो 8000 का, लेकिन तब 5000 का लिया था, 2 साल तो हुआ। और ये सीट, ये वाली सी कार सीट नहीं है, ये मुझे याद है मैंने तब भी वहाँ पे देखी थी जहाँ से हमने आयशा की दफा शॉपिंग की थी ना, ये तब वहाँ पे लगी होती थी कोई 11,000-10,000 इतने की होती थी, लेकिन अब तो 20,000 की खीर ही है। उन्होंने चंगा बंदा चंगी जी और सीट लेके गाड़ी के पीछे पा देंगे बच्चे वास्ते, इतने की तो गाड़ी की सीट मिल जानी है। बहरहाल जी जो भी है डिसाइड करते हैं इंशाल्लाह क्या करना है इसका, बाकी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा जी बिल्कुल, अगर आप लोगों को किसी शॉप का पता है जहाँ से रीजनेबल मिल जाती तो आप लोग वो भी हमें बताइएगा नीचे कमेंट्स में। फिर देखिए अल्लाह हाफिज़, कल मैं आपको एक मार्केट में लेके चलूंगा, वहां से आपको जाके दिखाऊंगा सस्ती वाली। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।